नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोलगप्पे। तो फिर इसके लिए पहले हम इसके स्टफिंग बनाएंगे, जो मसाला है बनाएंगे। इसके लिए ये है व्हाइट पेज, जिसे हम रगड़ा कहते हैं। इसे मैंने 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसमें इसको प्रेशर में डाल दिया है, और इसके साथ मैं आलू को भी बीच में से काट कर इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डालकर, पानी डालकर हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब हमारा आलू और रगड़ा बॉईल हो चुका है। हम आलू को अलग कर देंगे, ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब आलू ठंडा हो गया है, हम इसका छिलका निकाल देंगे। अब सारा आलू का मैंने छिलका निकाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर देंगे। फिर हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। अब मैंने मैश कर दिया है। अब हम इसको जो रगड़ा है इसमें पहले मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। पहले हम इसमें काला नमक और भुना हुआ जीरा और लाल मिर्ची का पाउडर और भुना हुआ मूंगफली और ये कटा हुआ प्याज है, इस सब को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये रेडी हो गया है हमारा मसाला। अब हम गोलगप्पे को, जो पानी पूरी है, इसको पहले हम छानेंगे। ये है रेडीमेड पानी गोलगप्पे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने सारे गोलगप्पे को फ्राई कर दिया है। अब हम इसमें मसाले भरेंगे। तो ये है हमारा मसाला, ये है फ्राई किया हुआ गोलगप्पे, ये है हमारा बीट, कटा हुआ बीट, गाजर और खीरा, और ये है खट्टी पानी। तो फिर हम इसको भरेंगे। इसको अब हम इसको बीच में से इस तरह से तोड़ देंगे। पहले हम इसमें जो आलू के मसाले है इसको भरेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ गाजर, फिर कटा हुआ बीट, खीरा डालेंगे। अब मैंने सब कुछ डाल दिया है। अब लास्ट में हम खट्टी पानी डालेंगे। मैंने इसमें मीठा चीनी ऐड नहीं किया है, तो आप चाहे तो इसमें खट्टा मीठा पानी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ खट्टा या तीखा बनाया है, चीनी नहीं डाला है। आप इसे एक बार बनाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं एक अगले नई वीडियो पे। टाटा बाय बाय, नमस्कार।